उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी को चुनाव के ऐलान के साथ ही कई बड़े झटके झेलने पड़ रहे हैं। अमेठी और सुल्तानपुर में उनके बड़े योद्धाओं ने न सिर्फ उनकी पार्टी से किनारा किया बल्कि दूसरे राजनीतिक दल से जुड़ गए। अमेठी विधानसभा चुनाव के दौरान अमेठी 186 के आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी सूर्यभान तिवारी उर्फ मदन ने पार्टी से किनारा कर लिया। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की नीतियां जनहित में नहीं थीं, इसलिए मैंने मौखिक रूप से आम आदमी पार्टी से अलविदा कह दिया। उनकी इस घोषणा के बाद उनके सैकड़ों समर्थक ने भी आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया। कहते हैं कि आप पार्टी के विधानसभा प्रभारी सूर्यभान तिवारी उर्फ मदन अमेठी से पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे जो पूरी नहीं हुई, इसलिए इन्होंने पार्टी छोड़ दी। वो कहते हैं कि जिस आशा और विश्वास के साथ मैं समाज सेवा के लिए पार्टी से जुड़ा था, प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे उस विचारधारा के साथ काम नहीं करने दिया, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। अब कुछ कारणवश मैं अपने प्रभारी पद से आम आदमी पार्टी से मैं इस्तीफा दे दिया। क्या रणनीति आगे की, क्या रणनीति है आगे की? देखिए, मैं इसके पहले जो है विश्व हिंदू परिषद का प्रखंड अध्यक्ष हूं और मैं समाज सेवी सूर्यभान तिवारी, जो कि कोरोना काल में अपने अमेठी जनता का, गरीब असहाय लोगों की हमने मदद किया, और वही आज भी मैं समाज सेवी हूं, समाज सेवी रहूंगा। अभी मेरा कोई विचार नहीं है किसी पार्टी में ज्वाइनिंग करने का। मैं अपने अमेठी की जनता को, गरीब आदमी असहाय लोगों की मैं मदद करूंगा, उसके बाद हमारी जनता जिधर मुड़ेगी मैं जनता के साथ जाऊंगा। इसके अलावा आपके राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह के गृहजन पद सुल्तानपुर में पार्टी जिलाध्यक्ष डॉक्टर संदीप शुक्ला ने आपको अलविदा कहा है। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव पार्टी ज्वाइन की है। खास बातचीत में संदीप शुक्ला ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब और गोवा में अच्छा लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में उसे दिल्ली की तर्ज पर आने में भी समय लगेगा। संदीप शुक्ला ने यह भी कहा कि वो भाजपा को हराने के लिए सुहेलदेव पार्टी में आए हैं, अगर पार्टी ने निर्देश दिया तो चुनाव भी लड़ेंगे, वरना सुहेलदेव और सपा गठबंधन से आने वाले प्रत्याशियों को जिताएंगे। यही नहीं, उन्होंने सुल्तानपुर की पांचों सीट जीतने का दावा भी किया। बता दें कि संदीप शुक्ला ने नवंबर 2020 में आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, उसके बाद पार्टी ने उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया था। संदीप शुक्ला पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अमेठी से नाव 44 के लिए शुभम के साथ सुल्तानपुर से सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबर।